अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ छोले बनाने की रेसिपी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बेहतरीन आपके छोले बनके तैयार होंगे और आपको रेडीमेड बाहर से मसाला लाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में ही हम सिंपल इंग्रेडिएंट से, सिंपल मसालों से हम ये छोले बनाएंगे और बहुत ही यम्मी डिलीशियस आपके ये छोले बनके तैयार होंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। अब हम छोले बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ये छोले। तो तकरीबन 200 ग्राम छोलों को मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिया था और जब अच्छे से ये भीग गए तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल के 3 से 4 इसमें प्रेशर आने दिया। तो ये छोले हमारे अच्छे से कुक हो गए, यानी ये बॉईल हो गए हमारे छोले। तो इनको अब हम रख देते हैं साइड में और एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया यहाँ पे एक पैन। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं कश्मीरी रेड चिली। तो तकरीबन 4 से 5 मैंने ये रेड चिली लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है छोलों में। और 3 से 4 इंच का मैंने लिया इसमें दालचीनी। अब मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची लिए, थोड़ा सा मैंने लिया इसमें जावित्री, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जावित्री, आप इसमें ज़रूर से ऐड करें और बहुत खुशबूदार हमारा ये छोले का मसाला बन के तैयार होता है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं बादियान का फूल। तो तकरीबन मैंने 2 ये बादियान के फूल भी लिए, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। और 4 मैंने इसमें सफ़ेद इलायची लिए, छोटा सा मैंने लिया इसमें जायफल। तो ये भी हम सारे ही मसालों में ऐड कर देंगे। 10 से 12 मैंने इसमें लिए लौंग, तो ये भी हम सारे ही मसालों में शामिल कर देंगे। और लौंग के बाद अब इसमें हमें चाहिए होगी काली मिरी, यानी काली मिर्चें। तो तकरीबन मैंने ये 15 से 20 काली मिर्चें लिए, ये भी हम ऐड कर देंगे। और कसूरी मेथी चाहिए होगी 3 टेबल स्पून। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और अच्छे से हम सारे ही खुशबूदार मसालों को चलाते रहेंगे। और इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करें क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी नीचे से जल जाते हैं। इसमें हमने धनिया और सौंफ ऐड किए। तो तकरीबन मैंने 10 से 15 सेकेंड ही मसालों को ड्राई रोस्ट किया। अब मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए और कलर भी इनका चेंज हो गया। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम ग्राइंडिंग जार में डाल के बिल्कुल फाइन हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे मसालों को। तो इस तरह से हमारा ये खुशबूदार छोलों का मसाला रेडी हो गया। अभी मसाले को रख देते हैं साइड में और चलते हैं अभी हम छोले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसको मैंने लॉन्ग शेप में कट किया है। तो प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरी मिर्ची। मैंने ये 4 हरी मिर्ची लिए, प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे हरी मिर्ची को। इस तरह से हरी मिर्ची को फ्राई करके आगे के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन को भी अच्छे से हम भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। और अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है हल्दी का पाउडर। तो ये मसाले भी इसी में ऐड कर देंगे। और अभी इसमें हमने नमक वगैरह शामिल नहीं किया है, तो नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। तो सारे ही मसालों को हम अच्छे से चलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट मसालों को हमें भूनना है फ्लेम को मीडियम टू हाई करके। मसाले हमारे अच्छे से भून गए और ऑयल वगैरह भी इसमें सेपरेट हो रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं चने। चनों को बॉईल करके हमने साइड में रखा था, तो ये सारे चने भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सारे ही मसालों के साथ छोलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं छोले और आलू का पेस्ट। तो मैंने एक बॉईल आलू लिया था और इसमें से मैंने चनों में से थोड़े से चने लिए थे, दोनों को हमने फाइन ग्राइंड किया है और इसी से हमारी ये मज़ेदार ग्रेवी बनके तैयार होती है। तो आलू और चने का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे छोले में। अब इसमें हम पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो पेस्ट डाला है इसका भी काफ़ी इसमें पानी हो जाता है। और अब हम सारे इंग्रेडिएंट को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 5 से 6 मिनट और अच्छे से कुक कर लेंगे छोलों को। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं काली मिरी का पाउडर। तो तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिरी का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारे ये चने बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनके तैयार होते हैं। और हमने छोले का खुशबूदार मसाला बना के रेडी किया था,
तो उसमें से हम 1 टेबल स्पून मसाला लेंगे और ये मसाला हम ऐड कर देंगे छोले में। और जितना भी हमारा ये मसाला बच जाता है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में करके और स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। मसाला डालने के बाद सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है सारे ही मसालों की। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से छोले बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा घर महकने वाला है। और जिस जार में हमने पेस्ट बना के रेडी किया था उसी में हम तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम छोले में ही ऐड कर देंगे। और छोलों को हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हम इन्हें पतला भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरह से 5 से 6 मिनट मैंने बहुत अच्छे से कुक किया है। और फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए और अच्छे से कुक कर लेंगे और जैसे ही हमारा हरा धनिया सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस तरह से हमारे ये छोले बनके तैयार हो गए। अभी हम डिश आउट कर लेंगे छोलों को। तो छोलों को आप चाहें तो पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हो या फिर आप इसे चावल के साथ में भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत यम्मी लगते हैं चावल के साथ ये छोले। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। छोले की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।